नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में नारी शक्ति बंधन यात्रा की निकाली गई रैली। आज मैनपुरी में नारी शक्ति बंधन यात्रा की रैली संगीता गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में निकाली गई। रैली बालाजी स्कूल से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मैनपुरी तक पहुंची। इस रैली में सैकड़ों महिलाओं और स्कूल के छात्रों ने भी भाग लिया। महिलाओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करने के लिए तथा महिलाओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर साधना तिवारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, संगीता गुप्ता अध्यक्ष नगर पालिका, रेणु उपाध्याय, अमृता सिंह, शीतल चौहान आदि बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग। मैनपुरी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है कि जैसे इस सरकार को आने के लिए दोबारा के लिए मौका दिया जा रहा है और सरकार लानी है हम लोगों को। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने सारे कार्य को अच्छे से किया है अभी तक। ये नारी शक्ति का क्या उद्देश्य है? नारी शक्ति को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 33% आरक्षण दिया है मोदी जी ने। आपका क्या योगदान है नारी शक्ति के लिए? योगदान हमारा तो नारी शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है जो आगे महिलाएं बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। लगभग कितनी महिलाएं होंगी आपके साथ? 40-50 के करीब हैं महिलाएं हमारे। सभी सहयोग करती हैं साथ चलने में। आप नगर में क्या पद रखते हैं महोदय? नगर अध्यक्ष है। नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हूँ। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली यहाँ से प्रारंभ हो रही है, समापन कहाँ पे है? बालाजी स्कूल से समापन। भारतीय जनता कल्ती तक स्टेशन रोड पे समापन होगी रैली। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।